हेलो डियर फ्रेंड, मैं मुकेश मिस्त्री और मैं आपको आज का जो सेशन है इसमें सोइल ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। मतलब हमारे भारत में कितने प्रकार के जो मृदा है वो पाए जाते हैं और उसको किस किस बेसिस पे बांटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोइल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सोइल ऑफ जो इंडिया है ये ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जो न्यू दिल्ली में है उनके द्वारा डिवाइड किया गया था, वर्गीकरण किया गया था किसका, सोयल का। तो मेनली आपका 8 ग्रुप में बांटा गया था और जिसमें से 5 जो है आपका मेजर ग्रुप है सोयल का, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलुवियल सोयल। ठीक है, जो एलुवियल सोयल होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा होते हैं। जितना भी सोयल होंगे, जितना भी सोयल का अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे बांटे गए, जैसे सोले जैसे आपका एलुवियल हो गया, ब्लैक सोयल हो गया, रेड सोयल हो गया, डेजर्ट सोयल हो गया, तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपका एलुवियल सोयल पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन बन गया कि सबसे ज़्यादा कौन सा सोयल पाया जाता है, तो आपका एलुवियल सोयल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोयल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो ग्रुप है, जो समूह है, जो एलुवियल का, वो हमारे भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है। द मोस्ट फर्टाइल इन द वर्ल्ड, और विश्व में बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपजाऊ माना जाता है आपको जो एलुवियल सोयल है। ठीक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका उपजाऊ सोयल किसे कहा जाता है, तो एलुवियल सोयल को उपजाऊ सोयल के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट आगे बात करें कलर की, ठीक है, कि उसका रंग कैसे होते हैं एलुवियल सोयल का, तो दे आर मेनली ग्रे कलर का होते हैं। और डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, तो आपका रिवर्स एंड बेव्स के द्वारा होते हैं। और रिच किस, मतलब किस चीज़ का मात्रा सबसे ज़्यादा एलुवियल में पाए जाते हैं, तो केमिकल इंग्रेडिएंट्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवरइन सोयल भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट आगे 45.6, ठीक है, 45.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया है आपका किसका, ऑफ द कंट्री, हमारे भारत में जो एलुवियल सोयल है उसका कितना एरिया है, तो 45 पॉइंट, ठीक है, 45.6% आपका एरिया है हमारे भारत में। उसके बाद द एलुवियल सोयल, जो एलुवियल सोयल है इन द ग्रेट इंडो जेनेटिक प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इन द बेस्ट टू वेस्ट बंगाल एंड आसाम इन द ईस्ट। देन नेक्स्ट आगे आगे बता रहा है कि द अल्सो, और जो एलुवियल सोयल है उसको और क्या कहते हैं। ठीक है, तो अल्सो अकर्स इन डेल्टा ऑफ द महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी इज कॉल्ड डेल्टा, डेल्टेक एलुवियल है, एलुवियल सोयल। अब डेल्टा कब बनता है, क्या होते हैं, कभी कभी क्या, जैसे मान लीजिए बारिश का सीज़न होगा, ठीक है, तो हिली सीजन से क्या होता है, जैसे रेनफॉल आ रहा है, तो रेन एक ही जगह से नहीं होता है, कई जगह से आता है ऐसा ऐसा टूट टूट के, ठीक है, उसका गली बनाते बनाते, तो उनके जो रेन क्या होते हैं, रेन के साथ साथ क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी के जो कण अणु होंगे वो भी अपने साथ बहाकर लाते हैं, और आके जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे जो मृदा का जो जमा होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो डेल्टा का निर्माण है वो आपका महानदी में भी होता है, द गोदावरी में भी होता है, द कृष्णा में होता है और द कावेरी में भी होता है, इसीलिए इसे डेल्टा डेल्टाइक एलुवियल है, एलुवियल सोयल भी कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे आपका कोस्ट एलुवियल, जो कोस्ट एलुवियल होंगे उसको क्या कहते हैं, कोस्टल एलुवियल कहते हैं। उसका डिवाइडेड इंटू खादर एंड बंगर, जो एलुवियल सोयल होता है उसके दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक खादर के रूप में और एक आपका बंगर के रूप में। ठीक है, जो खादर है, खादर किसको बोलेंगे, जो न्यू बन रहा है अभी रिसेंटली, जो बन रहा है डेल्टा का निर्माण हो रहा है या आपका सोयल का निर्माण हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग खादर, और बंगर किसको बोलेंगे, जो पहले से बना होते हैं। ठीक है, और वो मोर उसमें बहुत ज़्यादा क्ले होते हैं, इसे जो जो बंगर होते हैं उसको ऑल्सो नोन एज कैंकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आगे पेबली सोयल, मतलब जो कंकड़ वगैरह सोयल होते हैं ना, केवल, क्योंकि केवल तो सोयल नहीं होता है, तो जो एलुवियल सोयल में कुछ मात्रा में का जो कंकड़ पत्थर वाला जो सोयल होंगे उसमें क्या होंगे, दिस जोन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, भावर बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे बात करें कि स्वम्पी लोलैंड, मतलब जहाँ दलदली वाला जो स्थान होंगे उससे क्या बोलेंगे, तड़ाई, जिस, ठीक है, और जो आपका एलुवियल सोयल है उसका एरिया कितना है, तो 56,600 स्क्वायर किलोमीटर है। देन नेक्स्ट आगे बात करें डिफिशियंस इन
नाइट्रोजन एंड हुमस, और जो एलुवियल सोयल होता है उसमें नाइट्रोजन और हुमस की कमी होता है। उसके बाद तराई सोयल, तराई सोयल में रिच बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बट डिफिशियंट इन फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की कमी होती है तराई में। देन नेक्स्ट आगे बात करें सोयल ऑर्डर, तो आपका जो एलुवियल सोयल होते हैं आपका इंसेप्टिसोल्स या एंटीसोल्स या इन आपका आता है एंटीसोल्स और आपका इंसेप्टिसोल, ठीक है। ये जो दो आता है आपका एक इंसेप्टी और एक एंटीसोल्स, ठीक है। तो ये दोनों सोयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका एलोवियल सोयल होता है। और अभी तक यदि आपने जो हमारा जो सोयल ऑर्डर का जो टोटल 12 क्लासीफाई किए थे उसका अभी तक यदि लेक्चर या वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स होते हैं वो क्या क्या और उसमें कौन कौन सा सोयल आता है। तो आपका जो एलोवियल सोयल होते हैं आपका इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पूरे जितना भी हम लोग अभी सोयल इंडिया सोयल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हर सोयल किसी ना किसी आपका ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऑर्डर का जानकारी होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आगे बात करें सूटेबल क्रॉप, इसके जो आपका एलोवियल सोयल है उसमें कौन कौन सा ऐसा क्रॉप है जो इजीली ग्रो कर सकते हैं और सूटेबल भी होता है। तो जैसे आपका वीट हो गया, गेहूँ, राइस, धान हो गया, शुगर कैन हो गया, जूट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये जितना भी क्रॉप है इसको हम बहुत ही अच्छे से जो एलोवियल सोयल होते हैं उसमें ग्रो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आगे बात करें आपका ब्लैक सोयल, ठीक है। जो ब्लैक सोयल है देखिए फिर से आगे ऑर्डर, तो ब्लैक सोयल कौन सा ऑर्डर में आता है, तो आपका वर्टिसोल्स में आता है, ठीक है। तो आपको वर्टिसोल्स के बारे में भी जानना है, इसलिए जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो आपका लिंक दिया उसमें जाइए और वहाँ पे आप जितना भी सोयल ऑर्डर है टोटल 12 उनका स्टडी करिए। तो देन आगे बात करें कि ब्लैक सोयल, जो ब्लैक सोयल में रिच बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका क्या, तो मोनोनाइट पाया जाता है, जो कितना रेशियो 2:1 में पाया जाता है। देन आगे बात करें कि महाराष्ट्र सोयल डेराइव फ्रॉम ढक्कन ट्रैप इज कॉल्ड रेगर और ब्लैक कॉटन सोयल, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्ले का कंटेंट पाया जाता है। देन इट इज़ डार्क फाइन और ग्रेन सोयल होते हैं, बहुत ही क्या होता है डार्क होते हैं, फाइन होते हैं और ग्रेन सोयल होते हैं। देन नेक्स्ट आगे बात करें इसमें किस चीज़ का कमी होता है, तो आपका पुअर नाइट्रोजन फॉस्फोरस हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया और ऑर्गेनिक मैटर जो आपका इसमें कमी होते हैं किसमें, ब्लैक सोयल में। देन आगे बात करें फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन, और जो ब्लैक सोयल है कब निर्माण होता है, ठीक है। तो आपका कैसे निर्माण होता है, तो आपका जो ब्लैक सोयल होंगे वो आपका सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, लावा मीन्स लावा स्प्रेड, जब क्या होते हैं भूगर्भ से क्या होते हैं लावा पैदा होता है, ठीक है। स्प्रेड होता है मतलब फैलता है, ओवर लार्ज बड़े एरिया में फैलता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी इन ढक्कन प्लेटू, और ये 1000 ईयर रहेगा मतलब हर 1000 ईयर में एक बार आपको देखने को मिलता है। और उससे क्या होता है आपका भू के गर्भ से क्या होता है लावा आँख के गोला निकलते हैं बड़े एरिया में, उस टाइम आपका जो सोयल का निर्माण होते हैं ब्लैक सोयल का निर्माण होते हैं। देन बात करें हम जियोग्राफिकल ब्लैक सोयल जी कितना एरिया है, तो आपका 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और हमारे इंडिया की बात करेंगे तो उसमें 16.6% उसका एरिया है, ठीक है। देन बात करें मेनली फाउंड ये महाराष्ट्र और एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, और प्रेजेंट ऑफ स्मॉल पोर्शन इसमें एकदम अल्प मात्रा में प्रेजेंट होते हैं आपका जो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइड्स, और एक किसका इवेंट होता है, तो आपका आयरन का होते हैं। अब बात करें कौन कौन सा क्रॉप है जो इसमें ग्रो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आपका जैसे कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, ज्वार हो गया, लेंसीड हो गया, कैस्टर हो गया, वर्जीनिया हो गया, तवक हो गया, सनफ्लावर हो गया, मिलेट्स हो गए, तो इसको हम इजीली ब्लैक सोयल में ग्रो कर सकते हैं। देन आगे बात करें रेड सोयल, तो रेड सोयल फिर से देखिए आपका ऑर्डर आ गया, तो रेड सोयल कौन सा ऑर्डर के अंतर्गत आता है, तो आपका जो अल्फी सोयल होते हैं उसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद रेड सोयल में हाई फिक्सेशन की कैपेसिटी होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केओलिनाइट क्ले मिनरल्स के कारण होता है। उसके बाद रेड कलर किसके कारण होते हैं, आपका आयरन के कारण होते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें आयरन और मैग्नीज का जो कंटेंट है वो पाया जाता है। देन आगे बात करें कि रेड सोयल आल्सो कॉल्ड अर्ली सोयल भी कहा जाता है। ग्लोबली एरिया देखेंगे तो रेड सोयल का आपका 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर होते हैं।
रेड साइड जो रेड आपका जो मृदा होते हैं सोयल होते हैं वो मोस्टली जो पाया जाता है आपका तमिलनाडु में। देन नेक्स्ट आगे बात करें लैटराइट या लैटराइटिक सोयल, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है आपका अल्टीसोल्स या ऑक्सीसोल्स में आता है, ठीक है। और केओलाइट इज डोमिनेंट सिलिकेट के लिए होते हैं और बोथ ऑक्यूपीड्स आपका 40 मिलियन हेक्टर, मतलब जो आपका लेटराइट और लेटराइटिक सोयल होता है उसका दोनों का एरिया मिला के आपका 40 मिलियन हेक्टर होता है। मेनली लेटराइटिक्स अबाउट आपका 25 मिलियन हेक्टर है ओनली लेटराइटिक, बाकी जितना बच रहा है वो आपका लेटराइट होता है। देन नेक्स्ट आगे बात करें मेनली फाउंड ऑन हिल्स, और ये कहाँ पे पाया जाता है, जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे आपका केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, यहाँ पे पाया जाता है। देन नेक्स्ट आगे बात करें फॉर्म कैसे बनता है, अंडर हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, बारिश होता है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में आपका इस प्रकार के जो सोयल है उसका निर्माण होता है। मैक्सिमम लीचिंग टेक्स प्लेस, और इसी में सबसे ज़्यादा लीचिंग का क्रिया होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एडेप्टिव करते हैं, और इसी सोयल में शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन होता है उसको एडेप्ट भी करते हैं। उसका जो पुअर होते हैं फिजिकल कंडीशन किसके कारण, तो हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन एल्यूमिनियम प्रेजेंट होने के कारण इसका जो फिजिकल कंडीशन होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं। उसके बाद लैटराइट सोइल आर मोर वेदर्ड होते हैं देन लैटराइटिक के कंपैरिजन में, और इसमें सूटेबल होते हैं प्लांटेशन क्रॉप और राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसको इसका जो कलर होंगे वो पिंक होंगे या तो रेड कलर होंगे। और ये फाउंड इन कहाँ पे पाया जाता है, तो सेंट्रल ईस्टर्न एंड साउथ इंडिया में पाया जाता है। देन नेक्स्ट आगे बात करें कि सोयल आर मोस्टली कंपोज होते हैं एज कैल्साइट डिपॉजिट। देन पांचवा नंबर है आपका डेजर्ट सोयल, ठीक है। डेजर्ट मीन्स सूखा एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे वर्षा बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो उस एरिया को डेजर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो डेजर्ट देखेंगे तो राजस्थान जो एरिया है उसको डेजर्ट एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो फाउंड इन 10 डेजर्ट इन द इंडिया स्टेट, तो राजस्थान है। हाईली क्या होते हैं, प्रीवियस होते हैं एंड हैज़ लो डेंसिटी होते हैं। देन कैक्टी जो प्लांट होते हैं उसको इजीली जो आप डेजर्ट सोइल है उसमें ग्रो कर सकते हैं, कैक्टी प्लांट है, ठीक है। देन रिसीविंग लेस, इसमें क्या होता है 50 सेंटीमीटर से कम या 500 mm से कम, ठीक है। आप सेंटीमीटर में देख रहे हो वहाँ पे mm में भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 500 mm होगा, जब mm में चेंज हो जाएगा तो 500 mm, ठीक है। इससे कम बारिश होते हैं इसलिए क्या होते हैं डेजर्ट कंडीशन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन जो इंदिरा गांधी केनल जो कमांड है, एरिया आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द यूटिलाइजेशन, उपयोग करते हैं ऑफ द डेजर्ट सोयल एरिया, जो डेजर्ट सोयल एरिया है वो कहाँ का पानी को यूज़ करता है, जो इंदिरा गांधी जो केनल कमांड जो एरिया है उसका जल को यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन था यही तक था। सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक यू।